5.3 डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन लिक्विड एसीटोन। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। इसके लिए भी हम कैपिलरी ट्यूब के वन एंड को क्लोज करेंगे, एक फ्यूजन ट्यूब में एसीटोन डालेंगे। हमने इस फ्यूजन ट्यूब में एसीटोन ले लिया। अब हम इसमें कैपिलरी ट्यूब डालेंगे जिसका वन एंड क्लोज होगा, और क्लोज एंड को हम ओपन एंड को हम अंदर रखेंगे और उसका क्लोज एंड बाहर होगा। इस फ्यूजन ट्यूब में हमने एसीटोन लिया और इसे थर्मामीटर के साथ अटैच किया, और इस थर्मामीटर को हमने स्टैंड हैंग कर दिया। अब हम इसके नीचे ट्राइपॉड स्टैंड वायर गोज रखेंगे, बीकर में वाटर लेंगे और इसे इसमें डिप कर देंगे और इसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। हमने अपरेटर सेट करके इसे रख दिया। अब जब कैपिलरी ट्यूब में बबल्स बनना शुरू होंगे तो हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे, वही इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि एक्चुअल वैल्यू आ जाए। अब हम 2 to 3 मिनट्स वेट करेंगे इसके बॉयल होने का। इस एक्सपेरिमेंट का एक कॉशन ये है कि ओपन एंड ऑफ फ्यूजन ट्यूब मस्ट बी रिमेन अबव द सरफेस ऑफ वाटर लेवल इन द बीकर, यानी फ्यूजन ट्यूब का ओपन एंड वाटर सरफेस से ऊपर होना चाहिए ताकि उसमें पानी ना चला जाए और वो इम्प्योर ना हो जाए। इसमें बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप इसमें बबल्स प्रोड्यूस होते हुए देख रहे हैं। अब हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं।